हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आए हो कि सारे स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। आज कितनी तारीख है? 24 नहीं 24 है, आज 24 जनवरी है, दिन है सोमवार और हम बने हैं आज गुरखे। हम गड्ढे बना रहे हैं, मैं और रजत, हम दोनों गड्ढे बना रहे हैं और हमने 8 गड्ढे बना दिए हैं। और अब जो है वो हम पेड़ लगाने वाले हैं इसमें, स्कारलेट स्पॉट 2 अनस में। वैसे सेब के पेड़ आज तक खेती हुई नहीं है वैसे सेब की, बट हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ना हमारा थोड़ा नमी वाला सा खेत है ये वाला, तो इसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सेब लगाने का। लेट्स सी लगते हैं या नहीं लगते हैं। और अभी हम फिलहाल के लिए 8 गड्ढे इन्होंने परसों के किए रजत और दूवी के डैडी ने, और 8 गड्ढे हमने कर दिया आज। लेट्स सी, गड्ढे हो गए हैं, बारिश होने लगी थी हल्की हल्की सी, फिर पापा ने बोला कि पेड़ लगा ही लेते हैं इसमें, क्योंकि हम ऑलरेडी मिट्टी वाले हो ही गए हैं। जब कपड़े चेंज करने हैं, नहाना है, तो बेटर है कि एक ही बार में मिट्टी वाला सारा काम फिनिश कर दें। और गड्ढे की हम अगर अपनी शक्ल दिखाएं, गड्ढा दिखाइयो रजत, ये गड्ढे हैं और इसमें पत्थर बहुत है, छोटे 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 छोटे। वो ऊपर वाला पत्थर देखना, इस गड्ढे ने हमें बहुत परेशान किया, इतना बड़ा पत्थर लगा था इसमें, बहुत बड़ा पत्थर लगा था और इसने बहुत परेशान किया हमें। लेट्स सी क्या होता है, जब इन सेब से पहली फसल निकलेगी तो हम उसका भोग बनाएंगे, तो हम उसका भोग लगाएंगे और भोग बांटेंगे सबको। वैसे इसमें अनार के खेत बगीचे है, मतलब अनार लगे हैं यहाँ पे, अनार के पेड़ है। नहीं परफेक्ट हम है नहीं है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अनस में लगते कि नहीं लगते? हाँ वही बोल रही हूँ मैं भी, अनस में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, सेब लगेंगे कि नहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे को लगता नहीं है, नहीं होना ना किसी के भी लगे, अभी तो नहीं है, नहीं है, सेब नहीं लगाया है यहाँ पर किसी ने भी, मतलब ऐसी जमीन में तो वैसे भी नहीं लगेंगे ना जहाँ पे नमी ना हो। ये थोड़ा ऐसा है कि इधर वाली जमीन नमी वाली है, इसीलिए यहाँ पे लगा रहे हैं, हम भी रिस्क ले रहे हैं, अदरवाइज कहाँ होंगे बाकी खेतों में, तो हमारे भी नहीं होने वाले। क्या चिड़िया मिट्टी डाल थोड़ी सी, और रुको और दो चिकुड़ दो इधर पर आपके बगल में, ठीक उसके करना। अच्छा मिट्टी में तो हाथ से पड़ी है, बस सेव करो मिक्स। आर यू कैप्चरिंग मी और नॉट? ये निकी देखो, इतनी ध्यान रखा हो गया जान, हो गया ना, इसको लेबल में लाओ पहले यार, ये इधर वाला ये। हाँ जी जनाब, तो कितने पेड़ लगाए हमने? 16 पेड़ लगाए, जिसमें से 7 गड्ढे ऑलरेडी किए हुए थे और बाकी के गड्ढे हमने जो है वो 9 गड्ढे जो है वो आज ही किए थे और आज ही लगा दिए, ठीक है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे वाला काम किया है, गड्ढे करने वाला, पेड़ लगाने वाला, पहली बार ये वाला काम किया। और ये देखो ना, हाथ ग्लव्स पहन के रखे थे ना, तो हाथ की क्या हाल हो गया है देखो, हाँ झुरियाँ झुरियाँ सी पड़ जाती है जो, वैसे हो गया हाथ, ग्लव्स पहने थे ना उस वजह से हो गया। रजत ने तो खाना नहीं खाया था सुबह से बिल्कुल भी, मैंने सुबह 2 परांठे खा लिए थे, रजत ने खाना ही नहीं खाया था, उसने अब भी खाना खाया, और मतलब मैंने भी खाया, दाल चावल खाया हमने, कितने 4 बजे, शाम के 4 बजे, राजमा की दाल और चावल, बहुत ही स्वाद, साथ में चाय का एक गिलास, आहा मज़ा आ गया था। और बस अब नहा के फ्रेश हो जाएंगे और आज बना रहे हैं हम कड़ी, गीज़र ऑन करके रखा है, पानी जब तक गर्म होता है तब तक मैं कड़ी बनाऊंगी बड़ी वाली, ये जो हम खुद बनाते हैं ना बढ़िया, माँ की दाल की, और इसमें रेटा डलता है यानी कि जो पेठा, जिससे पेठा बनता है ना उसकी बढ़िया है, इसकी दाल कड़ी बनेगी आज, प्लस इंद्रे बनाए थे कल के, तो एक इंद्रा उसके बीच में डालेंगे, कड़ी के बीच में, चूल्हे के ऊपर बनेगी। थकावट तो हो ही जाती है यार, हैबिचुअल नहीं है ना हम इन चीज़ों के लिए, मतलब ऐसा फिजिकल वर्क हम इतना करते नहीं है, तो उस वजह से ऐसा होता है कि एक दिन काम करो तो अगले दिन के लिए बॉडी पूरी जो है वो पेन करने लग जाती है, अगर तो लगातार 2-3 दिन काम कर लो तब तो ठीक रहता है, अदरवाइज बहुत दिक्कत आती है। हेलो, हाय बोलो। हाय, कैसे हो? ठीक हो? क्या बना रहे हैं आप? आज मैं कड़ी बना रही हूँ। कौन सी कड़ी? ये बड़ी लस्सी डाली, पहले इसमें प्याज लहसुन डालते हैं, तो
नहीं आपके चूल्हे के पास इतनी लकड़ियां क्यों रखी होती है? इसके ऊपर भी हम खाना बनाते हैं, गीली जैसी है ना तब यहाँ सूख जाती है, इसलिए मैंने लकड़ी रखी हुई है स्टोर कर, स्टोर करके हमारे को ठंड लगती है। बुढ़े हो गए आप? हम बुजुर्ग है तो काम करने के लिए हम बुजुर्ग है, खाने पीने के लिए हम बुजुर्ग नहीं है। खाने पीने के लिए हम जवान है, जवान है तब तो कैसा भी खाना तैसा भी खाना। तो फिर हम आजकल यहाँ इस किचन में आए हुए, इसमें तंदूर लगाए हुए, तो फिर हम लोग सब बैठते हैं खाना खाते, बहुत अच्छा लगता है। तो अब देखो अब मैं बड़ी डाल रही हूँ, देखो बे दादी पेट में आता है ये, अभी दूध पी रहा है, इसको भूख लगी हुई भाई, ये बहुत प्यारा जैसा मेरा बेटी। तो सारे बोल रहे थे वीडियो क्यों नहीं बना रहे इतने दिन से। हाँ बोल रहे थे, मैं बोल जी आजकल मार को टाइम ही नहीं है, उसके लिए थोड़ा और टाइम भी निकालना चाहिए। तो आजकल मेरे इंदू बिजी होती है सारा काम उसके पास है, मैं कुछ नहीं करती। देखो थोड़ा ये बड़ी काम आप ही तो कर रहे हैं, कड़ी तो आप ही बना रहे हैं। तो बैठ बैठ के बना रही है, बैठ बैठ के तो मैं कर लेती हूँ। सुबह नहीं मेरे से दूध नहीं, जब अगर गाय के पास जाऊं दूध निकालने तब मेरे को बहुत दर्द होती है दरवाजे में, इसलिए मैं सुबह जाती नहीं। सुबह तो आपको चलना भी बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा होता था कड़ी के लिए बेसन है ना, बेसन भी है ऊपर वाले किचन में, मैं जाना चाहूंगी नहीं जाना मैंने, मैं चल नहीं सकती इसलिए मैंने आटा भूनना पहले, ये सबसे आटा भूनते थे, आटा भूनते सबसे अच्छा है। ऐसे वाली कड़ी बनाई है मैंने भी घर पे आटे वाली। तो अब ये के बेसन के अभी ऐसे तो आटा भूनते बहुत टेस्टी बनती है। तो अब मैं इसमें थोड़ा ऐना ही बोना बे बेड़ ने बीजे बेड़ डालती हूं नीमी, ये भी आटा को भूनना चाहिए जब इस ब्राउन हो जाए, ब्राउन हो जाता है बस भी है ना कुछ भी बात जाती है, फिर आटे बहुत अच्छी आती है कि भाई कुछ कड़ी बना रहे हैं। अब मैंने इंडरा भी डालना है इसमें, चलो इसमें आ जाता है इंडरा का स्वाद, मेरे द्वारा बनाए गए इंडरा है ये। हाँ जी इंदू भी बोलता है, इंदू लगे बच्चा भी हमारा इंदू बोलता है। यहाँ देखो, यहाँ देखो मैं ढंग से बोल रहे ध्रुव, देखने के लिए तो अच्छी लग रही है, खाने के लिए तो मैं बोल रही हूँ सबकी कैसी है। ओके अब इसमें लस्सी डालूंगी मैं, लस्सी के बाद जब ये बन जाएगी उसके बाद आरा धनिया की पत्ती डालूंगी तब अच्छी लगती करी। ओके हाँ तो अब मेरे को उठने की प्रॉब्लम है इसलिए मैं खड़े गैस पर मैं खड़े खड़े होके खाना मेरे को अच्छा लगता है बनाने, अगर बैठ गई तो मैं उठ नहीं सकती। अब मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, एक दो ये देखो तीन ये देखो भैया। अब मैंने कुट्टी कितनी सुंदर लग रही है फोन में, पता है अच्छी लग रही, डार्क ऑरेंज आ रहा है कलर, अच्छा एनी ना फीको जो पर ये फोन में पति तब मेरा बेटा ए प्रवीण दस में पलता थे टेंथ में, उस वक्त कुट्टी बनी हुई है तब बनाई मैंने इतने में। हाय बोलो। ओह नो
ओ नो, ये किसने लाया है? ये राहुल चाचू ने लाया है इसके लिए, राहुल चाचू ने लगाया है इसके लिए, ये राहुल चाचू ने लाया है इसके लिए, ये आओ मम्मा चैट भी लग गई है इन्होंने सादा भी मिल गया लस्सी दल की मरकड़ी में आज लस्सी खत्म हो चुकी है तो कल सुबह के लिए और बनेगी पता नहीं बे और जिन्हें की ये बहुत पसंद है कड़ी ढूंढता हो आलू भी मैंने आज आलू नहीं डाले आज वे जरूरी थोड़ी हमेशा आपके बेटे की पसंद की बने नहीं कभी कभी आपके उसको पता भी नहीं लगता क्या आप लोग ने क्या क्या काम किया आज खेती में बहुत काम किया हमने आज क्या क्या किया बताओ तो आज हमने आज मेरे पास पूरी डिटेल दे दो अभी दे दो हमने गड्ढे किए ऐसा बोलो दादी हमने गड्ढे किए फिर हमने पेड़ भी लगाए जी वो कुछ खाता ना था आ कला ले मुंडा दा हो जाए ये लग रही है सराजी होगी सराजी होगी रसोई होती है ना फेस लग रही है अच्छा थोड़ी बहुत क्या होता है या थोड़ी काटते हैं या बहुत काटते हैं राजा तो हम दोनों तो अभी खाया खाना खाना तूने थोड़ा थोड़ा खाना बोला है बोला कड़ी कैसे बनी थी पहले ये बताओ कड़ी कैसे बनी थी कूड़ो तो आप खाना और आपने डुबू बाय करो डुबू बाय बाय करो मामा को बाय बाय करो बाय करो मामा को अरे नहीं जा रही मैं नहीं जा रही कहीं सोचे के साले के नहीं नहीं यही है मामा बैठो बैठ यही है मामा हम आ गए कमरे में सोने और हम अभी तक मैच देख रहे थे कबड्डी का हमने ड्रीम इलेवन पे टीम भी बनाई थी है ना अब हम निन्नू करने आ गए गुड नाइट कर दो गुड नाइट बोलो गुड नाइट बोलो से गुड नाइट बोलो ध्रुवी को नहीं दिखाया ध्रुवी को नहीं दिखाया ऐसे बोल रहे थे मम्मा को अब ध्रुवी को दिखा दिया ना बड़ा हो गया मेरे बिट्टू अब तो इसके बाल भी काट दिए डॉन के अच्छा इधर तो देखो मम्मा को गुड नाइट करो गुड नाइट करो तो अब नू का टाइम हो रहा है टाटा बाय बाय अब मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें स्वस्थ रहें व्यस्त रहें मस्त रहें बाय बाय